स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम ग्वार की फली और मटर बनाएंगे। ग्वार की फली को मटकी की फली भी कहते हैं। ग्वार की फली और मटर हमने एक एक कटोरी ली या पौ किलो ले लिया। 2 चम्मच टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा टमाटर बारीक काटा हुआ, 1 बड़ी प्याज की डली बारीक कटी हुई, हरा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तेल। गैस ऑन कर लिया, फिर तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच प्याज डालेंगे कटी हुई, इसको नरम कर लेंगे, 1 प्याज हमारी नरम हो गई है, फिर टमाटर डालेंगे, 1 बड़ा टमाटर जो हमने काट के रखा था, 2 की फली और मटर हमने धो के रखे हैं, धो के इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 भून लेंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 मिनट भून लेंगे, 1 धनिया डालेंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे, 1 पानी भरेंगे थोड़ा एकदम, फिर हम बंद करके एक सीटी आने तक या 5 मिनट रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं, गैस बंद करेंगे, फिर सीटी की हवा निकालेंगे कुकर ठंडा होने के बाद, खोलेंगे इसको, देखिए हमारी ग्वार मटर तैयार है, गल गई है, मटर भी गल गई है और ग्वार भी गल गई है, फिर इसको सर्व करेंगे। हमने बचा के हरा धनिया रखा था, उसे गार्निश करेंगे, फिर पेश करेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 2 मिनट में बनती है।